बस से इस मौके पर आज राजधानी में प्रदेश भर के वाइल्ड लाइफ से जुटे सभी ने बाघ संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान हमारे संवाददाता निर्मल तिवारी ने वन विभाग के अधिकारियों और वाइल्ड लाइफ फोर्स से खास बातचीत की। आज विश्व बाघ दिवस है और हमारे साथ इस समय तमाम ऐसे कुछ लोग जुटे हुए हैं जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने बाघ संरक्षण को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया है। सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं किस तरह से जो बाघ संरक्षण को लेकर किया। आपसे शुरुआत करते हैं, बाघ संरक्षण और बाघों के संरक्षण की दिशा में किस तरह से काम हुआ है और उनसे कितना सब कुछ सुदर्शन जी पर बात करें तो आगे बढ़िया चीज़ें। देखिए 2005 से जो बाघ संरक्षण में राजस्थान की स्पेशली बात करूँ तो काफ़ी संरक्षण के प्रयास किए, उसका नतीजा यह है कि अभी बाघों की संख्या जो डिक्लेयर हुई है वो अभी सब अधिकतम राजस्थान में अधिकतम आई है। और आज दिल्ली में जो ये है शायद 76 टाइगर्स का राजस्थान में 2018 के एस्टिमेशन के हिसाब से किया गया। जो आज का प्रोग्राम है उसमें जयपुर में पहली बार टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से इसके कंजर्वेशन और इसको बचाने का संदेश देना एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। धोरानी साहब, आप तो लंबे समय से जुड़े हुए टाइगर सॉरी इसका टाइगर फाउंडेशन की भी बात करें, पीएम ने भी आज जो आंकड़े जारी करी हैं निश्चित तौर पर उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उतनी तेजी से टाइगर्स की संख्या नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे तो क्या कारण है और क्या और ऐसा किया जाना चाहिए कि बाघ संरक्षण और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक ऐसे आंकड़े देखने को मिले। आपको आज के दिन का वैसे मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने ऐसा बढ़िया प्रोग्राम किया है इस एंड उसके साथ साथ जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं, टाइगर बढ़ा है राजस्थान में और यस देर बीन सम केसेस जहाँ पे 5-7 टाइगर मरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट जो कर रहा है आज की तारीख में वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये नहीं कि मैं किसी के इनके बगल में खड़ा हूँ तो इनकी चमचागिरी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रूली यदि कोई टाइगर बचा रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बचा रहा है और उसके लिए हमको आज जितने टाइगर बढ़े हैं तो डिपार्टमेंट कोई ना कोई तो काम कर रहा है उसके लिए। यस टाइगर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते भी हैं। यस देर बीन सम केसेस जिसमें पोचर्स भी सामने आए हैं, उसके लिए रोकथाम के लिए हम सारे प्रतिबद्ध हैं। और इंटरनेशनल टाइगर डे पे टाइगर पॉपुलेशन अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए, जो कि लास्ट सेंसस 2226 था वो बढ़ के 2900 के ऊपर चला गया है। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए स्टेट में हमारे यहाँ 2 टाइगर रिजर्व हैं, उसके अलावा अब तीसरा लास्ट ईयर बना दिया मुकुंद्रा और अब बहुत जल्दी हम सुनने में आ रहा है और बहुत 2-3 टाइगर रिजर्व और स्टेट में हम देखेंगे। तो ये बहुत अच्छे कदम है टाइगर कंजर्वेशन में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टाइगर संख्या लगातार बढ़ रही है। लास्ट दशक में जहाँ पहले कुछ ही टाइगर हुआ करते थे 20-25, आज देखिए 80 के करीब पहुँच गए टोटल टाइगर पॉपुलेशन। तो ये सब बहुत खुशी की बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें भी खासकर ग्राउंड लेवल स्टाफ का जो एफर्ट है जिसमें हमारे वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, मैं तो सबसे मेन कड़ी इन लोगों को मानता हूँ जो आज जंगल बचाने में जो इनका योगदान है वो शायद ही और किसी का होगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी अपना एक बहुत अहम योगदान रहा है। हमने इस टाइगर एग्जीबिशन का जब प्लान किया, जयपुर टाइगर फेस्टिवल के प्रेसिडेंट ये आनंद जी हैं, इन्होंने जब इसकी इच्छा जताई कि 29 तारीख को टाइगर कंजर्व इंटरनेशनल टाइगर डे पर हम कुछ टाइगर के लिए करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा क्यों ना जयपुर में और टाइगर से जुड़े मैक्सिमम लोगों को जो फोटोग्राफ करते हैं, जंगलों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पैसा खर्च करके दिन रात लगाते हैं, वो फ़ोटो खींचते हैं, तो हम उन सभी बेहतरीन फोटोग्राफर्स की बेहतरीन पिक्चरें हमने यहाँ लगाई है जिससे कि आज ये टाइगर एग्जीबिशन आज चालू हुई है। आनंद जी, एक छोटा सवाल आपसे भी पूछूंगा टाइगर फेस्टिवल को लेकर के, किस तरह से आप इस बाघ संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं? कंटिन्यू हम इसमें काम करते रहेंगे, विभिन्न प्रकार के टॉक लेक्चर्स एग्जीबिशंस स्कूल प्रोग्राम्स और गांवों के अंदर भी जो एरिया है वहाँ पे कैचमेंट एरिया वगैरह वहाँ पे भी हम लोग इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आप तमाम जो वाइल्ड लाइफर हैं इनका एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के अंदर बाघ संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हो। राजस्थान में हालांकि बहुत ज़्यादा काम हुआ भी है क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, राजस्थान में वृद्धि हुई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बाघ संरक्षण की दिशा में प्रदेश के अंदर और ठोस काम होते रहेंगे। कैमरा पर्सन राम निवास के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।